मेरी इस बात को ध्यान से समझना, लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको आप अपनी लाइफ की जो लॉन्ग टर्म विजन है उसमें कहीं पर देख रहे हो, दूसरे हैं जिनको नहीं देख रहे हो। आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि ये जो इंसान है ये अंदर से पूरी तरह से करप्ट है, बाहर से चाहे जो मर्जी दिखाता रहे, उनसे रिलेशन जितनी जल्दी खत्म कर दोगे उतना अच्छा है। ट्रस्ट क्या होता है? क्या आप खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो? सोचते हो कि मेरे को मीठा नहीं खाना है, लेकिन जब फ्रिज में एक चॉकलेट पड़ी हुई दिखती है तो क्या होता है? उठाते हो, खा जाते हो। तो जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो सामने वाले पे क्या ट्रस्ट करोगे? तो आपको पता होना चाहिए जो आपके अंदर होता है वही सब उसके अंदर भी होता है, वो कोई अलग प्राणी नहीं है। हमें सामने वाले के साथ में वैसे ही बिहेव करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में बिहेव करे, और ऐसे ही हमें सामने वाले को क्लियर करना है कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि एक बार वो क्रॉस हो जाती है तो वो फिर कहां तक जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको ये समझना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो और मैं एक्चुअल में इक्वल है, बाहर से दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तो ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप किसी से तमीज से बात करोगे तो ही वो आपसे तमीज से बात करेगा, फिर वो चाहे आपके यहाँ पे पियोन है, चाहे सर्वेंट है, चाहे कोई भी है, आप उससे तमीज से बात करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे भी वो तमीज से बात करेगा। बट मान लेते हैं आप तमीज से बात कर रहे हो सामने वाले से और वो बदतमीजी कर रहा है, अब क्या करोगे? यू हैव टू टेक अ स्टैंड, सिंपल, यू हैव टू फाइट, फाइट फॉर व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट? इक्वालिटी, इक्वालिटी इज योर राइट, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप आराम से बैठ करके उनसे बात कर सकते हो कि आई एक्सेप्ट कि मेरे से गलती हो गई है, बट बार बार जो आप मुझे बोलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज आप आगे से मत बोलना, क्योंकि आप कुछ मेरे को बोलोगे फिर ऐसा ना हो मैं भी कुछ ऐसा बोल दूं कि फिर आपकी भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं स्टैंड लेना। एक रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन है वो प्यार नहीं होता है, रिस्पेक्ट होता है, इक्वालिटी होती है, फेयरनेस होता है, एप्रिसिएशन होता है एक दूसरे के लिए, तब जाकर के वो रिलेशनशिप एक्चुअल में प्रॉस्पर करती है। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद बचा करके रखना है। फ्रेंडशिप से रिलेटेड हमारे सबके कॉन्सेप्ट्स हिले पड़े हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हम फ्रेंडशिप को कुछ भी समझने लग जाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं, फिर हमारे अंदर इतना एंगर आ जाता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। मैंने लोगों के अंदर देखा है, अपने दोस्तों की वजह से खुशी नहीं आती है, दुख आ जाता है कि मैंने तो उसकी हेल्प करी, अब देखो वो पीछे हट गया, जब उसका टाइम है हेल्प कर देगा। ऐसा होता है? नहीं होता है कि उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ में था, लेकिन जब मेरे को थोड़ी सी भी जरूरत पड़ी तो उसने बहाना बना दिया, एंड ही इज नॉट देयर विद मी। और किसी को फ्रेंड बनाना है तो बनाए कैसे? उससे पहले समझना पड़ेगा फ्रेंडशिप क्या है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंडशिप की वो ये है कि दो लोगों में कुछ कॉमन होना चाहिए जो दोनों चाहते हैं, और जब वो मिल जाता है उसको फ्रेंडशिप कहते हैं। और आपका दुश्मन भी आपका दोस्त हो सकता है अगर आप दोनों का कॉमन गोल है तो, और आपका दोस्त भी आपका दुश्मन हो सकता है अगर कॉमन गोल नहीं है तो। दुश्मन भी दोस्त हो सकते हैं, उसका भी एक एग्जांपल देता हूं। आप जंगल में खो गए हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके साथ में, लेकिन अगर आप सरवाइव करोगे तो मिल करके करोगे, नहीं तो दोनों मरोगे, हो गया ना दोस्त। मैंने क्या कहा कि दोनों का एक कॉमन गोल होना चाहिए तो दोस्ती पॉसिबल है। अब वो कॉमन गोल शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। अगर वो शॉर्ट टर्म में अचीव हो गया तो शॉर्ट टर्म में दोस्ती भी खत्म हो गई, लॉन्ग टर्म में अचीव हुआ तो लॉन्ग टर्म तक वो दोस्ती चली, लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम चल गई। और जितना ज्यादा कॉमन गोल्स हैं दोनों के पास में पूरी लाइफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एक लड़का है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, एक लड़की है जिसको अपनी लाइफ से कुछ चाहिए, उसमें जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी है, कॉमन मतलब ये नहीं है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है तुम्हें इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, तुम मुझे इंजीनियर बनने के लिए सपोर्ट कर रहे हो, तो कंपैटिबिलिटी होगी, तो कॉमन गोल हो गया। इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर एक भी कॉमन गोल नहीं है तो नो फ्रेंडशिप, अगर आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं तो दुश्मनी, फ्रेंडशिप को अपोजिट। ये दुनिया एक बैटल फील्ड की जैसी है, तो बैटल फील्ड में आपको चाहिए कोई ऐसा इंसान कि जब एक्चुअल में जरूरत हो तो आपके साथ में खड़ा हो। वो कब खड़ा होगा? जब उसको जो अपनी लाइफ से चाहिए उसको ये लगेगा कि बिना आपके वो अचीव नहीं हो सकता है। मान लो उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए और वो सपोर्ट सिस्टम आपने उसको प्रोवाइड कर दिया है, अब वो दोस्ती पक्की हो गई।
एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जाकर के आपको रियलाइज हो जाएगा कि चाहे बुरे से बुरा कुछ भी हो जाए कि ये पर्सन तो मेरे साथ में है ही, चाहे पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो जाए, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी देयर विद मी, दोनों को ये रियलाइज हो गया है, देन दैट रिलेशनशिप बिकम्स इनसेपरेबल। बट आप डे वन से एक्सपेक्ट करोगे तो गड़बड़ हो गई। वो हो सकता है अगर उसकी फाउंडेशन फ्रेंडशिप है तो। इफ यू लुक एट मैरिज एज समथिंग विच वी हैव टू डू बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम फैमिली, तो हम बुरी तरीके से जा करके फंस सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी मैरिज किसी ऐसे इंसान के साथ में हो जाए जो हमारा पति है, पत्नी है, लेकिन एक दोस्त नहीं है, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैरिज से पहले फ्रेंडशिप होनी चाहिए कुछ महीनों की या कुछ सालों की, फिर इतना बड़ा आपको स्टेप उठाना चाहिए। योग का मतलब होता है यूनियन, जुड़ना, सामने वाले से इस तरीके से जुड़ना, इस लेवल पे जुड़ना जहां पे अलग होना पॉसिबल ही नहीं है, ना जीते जी ना मरने के बाद। तो क्या आप अपनी वाइफ के साथ में इस लेवल पे जुड़ गए हो, या फिर वो एक ट्रांजेक्शन है, जैसे कि जॉब एक ट्रांजेक्शन है, पसंद नहीं है लेकिन काम है, करना पड़ेगा, पेट भरना है। तो लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसा मूवीज में देखते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत क्लैशेस होते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब झूठ है। रियल लाइफ में क्या होता है, क्लैशेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, पावर डायनामिक्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होता है, ये सब कुछ होता है। तो कभी भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ में शादी नहीं करनी है किसी भी इंसान के साथ में कि सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। और कभी कभी थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाना भी नॉर्मल है, आपका भी सामने वाले का भी, तब उसमें क्या दिक्कत है। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि वो कभी एग्रेसिव ही नहीं होगा या नहीं होगी, गड़बड़ हो गई। उसका कभी मूड खराब ही नहीं होगा, गड़बड़ हो गई, मूड स्विंग्स ही नहीं होंगे। तो पहले खुद को समझ लो, इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ प्रॉपरली, अब आप सामने वाले को समझ सकते हो, नहीं तो आप उससे कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे जो बिल्कुल बकवास है। और हमारे चारों तरफ सिर्फ बकवास ही बकवास है, रियलिटी तो कहीं है ही नहीं। सामने वालों से जो एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने का सही तरीका है वो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, फिर आप सामने वाले के अंदर जो भी चल रहा है उसको फील कर सकते हैं, फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी वो बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड होगी, फिर आप काफी हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होगा,